करनाल में लुटेरे और चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुरानी अनाज मंडी का बारदाना व्यापारी अपनी दुकान बंद कर जैसे ही मंडी से सेक्टर 7 अपने घर से बाहर पहुंचा, तो पीछे से रेकी कर रहे दो बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी से बैग छीनने का प्रयास किया। लूट में नाकाम रहे तो लुटेरों ने व्यापारी को एकाएक चाकू से वार कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। हमले में व्यापारी बुरी तरीके से घायल हुआ है, जिसके बाद तुरंत व्यापारी को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। CIA 2 और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो रूटीन में डेली तरह से आते जाते हैं, तो यहाँ करीब जो टाइम अबाउट करीब 8:30 के आसपास जो ये अपने दुकान से आए हैं, दुकान से आते ही तो अपने जिस तरह से मकान के ऊपर उतरे हैं बाइक से, तो पीछे भी उसके पीछे को बाइक पे ही दो बंदे थे जिन्होंने आते हैं उनके साथ हाथापाई की है। जो हाथापाई होते हुए के 2001 नंबर में जो गुड़िया है उसने उसको देखा है जो उधर से भागी आई है, तो जिसका मतलब थैले में कोई कैश था छीनने की कोशिश करी गई, लेकिन कैश ना छीनने में सफल नहीं हो सके। गुड़िया ने जब तक आए तो वो उसको मतलब जल्दबाजी में उसके को मतलब एक चाकू इसके पेट में जो लगा है जो गौ पे भाग गए, लेकिन कैश छीने में सफल नहीं हुए। तो बैग अंदर फेंक दिया उन्होंने? हाँ, बैग जो नहीं वो छोड़ नहीं, इसके पीछे गुड़िया जो आई है, हाँ। गुड़िया ने उनको देख करके जो एक जिस तरह से एक डंडा पड़ा उन्होंने उसको मारा भी है टोटर करके, फिर भी भाग गए। तो बाइक पर आए थे लुटेरे? हाँ, बाइक पे है, पीछे से ही शायद पीछे से लगे हुए। तो रेकी की गई है सर, लग रहा है शायद यही है कि पीछे से ही कोई जानकार है जो जिस तरह से मंडी से आए हैं तो पीछे से लगे हुए हैं, जो अब ट्रामा सेंटर के अंदर इलाज चल रहा है लेकिन खतरे से बाहर। तो अब फुटेज खंगाली जा रही है सर? हाँ, फुटेज खंगाली जा रही है। CIA की टीम भी लग रही है और हम भी लगे हुए हैं, हमारे सेक्टर 6 की भी दो तीन टीमें बड़े कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द से जल्द खोज निकाल करके मतलब 7 बजे तक सामने खींच जाएगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।